पूर्णिया के आर्यन का खेलो इंडिया में चयन होने से उत्साह का माहौल है। खेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उन्हें ये मौका दिया है। इससे पहले आर्यन साइकिलिंग के क्षेत्र में स्टेट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, एक बार गोल्ड और दूसरी बार सिल्वर जीतकर नाम रोशन किया है। आर्यन का चयन गुवाहाटी के लिए किया गया है, जहां उन्हें साइकिलिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा और नेशनल टीम में खेलने का अवसर मिलेगा। आर्यन इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं। वहीं आर्यन के पिता ने कहा कि उनके लाडले को देश स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि वो आगे अच्छा करेगा। खेलो इंडिया के तहत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। गुवाहाटी में भी ट्रायल देके आए थे, उधर तो अभी नेशनल बेस पे हुआ है सिलेक्शन। उधर तो अभी अभी मतलब पूर्णिया के लिए अभी अच्छा करना है, नेशनल मेडल लेंगे इस बार। इससे पहले क्या क्या अभी स्टेट मेडल था गोल्ड, फिर इस साल सिल्वर आया स्टेट में, फिर अभी नेशनल मेडल लेंगे, पूर्णिया का नाम रोशन करेंगे। अच्छा माहौल है। हाँ गए वो पहले वाले मतलब आर्यन आर्यन भैया गए पहले साल में भी उससे प्रभावित हुए थे। हाँ मेरा पुत्र है, जिन्होंने अपने खेलो इंडिया के पहले भी सिलेक्शन पहले सिलेक्शन हुआ था और पहले कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग कर रहा था, उसके बाद पहले भी स्टेट से मेडल लाया और अभी भी वर्तमान में भी लाया है। तो और उसके बाद भी देखते हैं गुवाहाटी सिलेक्शन हुआ तो मैं अपने आप को पिता होने के नाते बहुत ज़्यादा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उज्ज्वल भविष्य उसका हो और अपने आप इसे ज़्यादा मेहनत करे और फिर नेशनल में मेडल लाए। इसके लिए पूर्व में भी बच्चों का हुआ था, हम चाहते हैं कि पूर्णिया को और भी बच्चे बहुत आगे तक जाए साइकिलिंग अपना एसोसिएशन में, पूर्णिया का नाम रोशन करे। और क्या कहना चाहूँगा, ये अभी आर्यन कुमार सिंह है जिनका अभी हाल में सिलेक्शन हुआ है, नौवीं के दिन ही इनका ये आया है जो खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनका सिलेक्शन किया है और इनको गुवाहाटी अकेडमी के लिए डिप्यूट किया गया है, वहाँ पर रखा जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इन सब के पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि खेलो इंडिया जो ये राजवर्धन सिंह राठौर जब मंत्री हुआ करते थे खेल विभाग में, तो उन्होंने बड़ा बढ़िया एक स्कीम, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था खेलो इंडिया, खेलो इंडिया एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसमें उनका ये प्लानिंग थी कि जो दूर दराज के बच्चे हैं, गाँवों के बच्चे हैं, मैं उन सबको एक मेन स्ट्रीम में ला करके बच्चों को, जो बच्चे काम करते हैं खेतों में काम करते हैं या घरों में काम करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं उनको एकेडमी में रख करके ट्रेनिंग दे करके और भारत के लिए मेडल के लिए तैयार करूंगा। तो वही उसी स्कीम के तहत इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसके पहले पूर्णिया से ये शालिनी कुमारी का सिलेक्शन हुआ था, शालिनी कुमारी ने इसने पटियाला में इसका दिया गया था, इसको अलॉट किया गया था, इसने अच्छा किया, बहुत सारा जोनल कंपटीशन में इन्होंने बहुत अच्छा किया, स्टेट में तो ऑब्वियसली ऑलवेज जीतती रही है, कुछ प्रैक्टिस की कमी के कारण नेशनल का अवार्ड नहीं जीत पाई है, लेकिन इसने एश्योर किया है कि इस बार ये जरूर जीतेगी। अच्छा अभी और कैंडिडेट पटना से जा रहे हैं जी, अभी हमारा स्टेट चैंपियनशिप हुआ था मोतिहारी में विगत 21 और 22 सितंबर को, जिसमें हमारे यहाँ से जो संभावित बच्चे थे 10 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है, पूरे पूर्णिया से 10 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है और उनको जो है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना में रख के और अगले नेशनल चैंपियनशिप होने तक ट्रेनिंग देगा पटना में रख करके, और आफ्टर नेशनल ही उन लोगों को वापस आना है, वो आजकल में एक दो दिन में उन लोग यहाँ से जाएंगे, वहाँ रह के करेंगे।